कैद खाने में तला तुम है के हिंद आती है। कैद खाने में तला तुम है के हिंद आती है। दुख्तर फातिमा। नाज़रीन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत हूँ। प्रोग्राम का जो उनवान है वो उर्दू के एक अजीम शायर, उर्दू के पुरगो और मुश्ताक शायर जनाब मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब के सिलसिले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और आपको इस अजीम शायर के कारनामे और इनकी हयात तैयबा पर आज हम रोशनी डालेंगे। तो आइए आज हम जनाब मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब की कब्र मुबारक पर मौजूद हैं और उनकी शख्सियत के बारे में आज हम आपको बताएंगे। उर्दू के अजीम शायर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब। तो आइए इस प्रोग्राम में हम उनकी शख्सियत पर आज रोशनी डालेंगे। उर्दू मरसिया गोई की दो अहम शख्सियतें जनाब मीर बबर अली अनीस साहब और जनाब मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब, ये दोनों बुज़ुर्ग और हमसर थे। इसमें कोई शक नहीं है कि अनीस व दबीर के कलाम की रोशनी मिसल आफ्ताब व महताब दुनियाए अदब को आज भी मुनवर किए हुए है। दुनियाए अदब में दबीर की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। एक बुलंद पाए शायर, जाकिर व मद्दाह अहले बैत होने के अलावा मिर्ज़ा दबीर साहब का किरदार बहैसियत एक इंसान के शम्सुल उलमा सैयद इमदाद इमाम साहब असर के मुंदरजा ज़ैल अल्फाज से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मिर्ज़ा दबीर अल्लाह मकामहु फिल जन्ना का दर्जा आप तमाम तर सिफात मलकूती से लारैब खासान खुदा से थे। औलियाए खुदा की खूबियाँ राहिबुल अताया ने हजरत को बख्शी थी। उनकी सखावत और इसार शोरा आफाक है। इल्म व फजल के साथ तौफीक इबादत और बहुत कुछ खुदा पाक ने अता फरमाया। इखलाक मोहम्मदी का आप पूरा नमूना थे। जूद व सखा व अता में अपना जवाब आप थे। खुश मिजाजी व खुश अखलाकी आप पर ख़त्म थी। हकीकत यह है कि जिन हजरात के आप मद्दा थे उनके तफसीलात आपके शामिल हाल थे। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर महले बल्ली मारान दिल्ली में 11 जमादिल अव्वल 1218 हिजरी अजरुए तकवीम मुताबिक दोशंबा 29 अगस्त 1803 ईस्वी को पैदा हुए। आपकी तारीख़ वफ़ात 30 मुहर्रम 1292 हिजरी से शंबा 1875। मिर्ज़ा दबीर का इंतकाल महल्ले नखाश लखनऊ की एक गली जो अब कूचाए मिर्ज़ा दबीर के नाम से मंसूब है में वाक़े उनके ज़ाती मकान में हुआ और यही मकान जो ज़िंदगी में उनका मस्कन था बाद वफात उनका मदफन भी बन गया। मिर्ज़ा दबीर के दर दौलत पर बड़े बड़े शहजादे और हुकाम और अहल इल्म हाजिर होते थे। अहल हाजत की हाजत रवाई को मिर्ज़ा साहब सबसे बड़ी इबादत और नफर समझते थे। हज़रत मिर्ज़ा दबीर साहब की शख्सियत पर डॉक्टर मुजर्रब लखनवी साहब ने अपने तासुरात का इजहार कुछ यूँ किया। आज मुझे जो आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करना है कि लखनऊ में मरसिया खानी के तीन ख़ानदान थे और उन तीन ख़ानदानों का इस तरीक़े से हजरत महज़्ज़ब लखनवी ने ज़िक्र किया है। यूँ तो बहुत थे मादहे शाहनशाहे जमां, मशहूर लखनऊ में हुए तीन ख़ानदान। पहुंचा है नामे इश्को ताशुक कहां कहां, थे मेहरों में अनीसो दबीर ऐसे मदह खां। कब एक एक गोशे में इनकी ज़िया नहीं, चौथा चराग सामने इनके जला नहीं। तो मिर्ज़ा दबीर का मामला ये था कि उनके सिलसिले में अर्ज़ करना है कि इनका पूरा नाम सलामत अली दबीर था और ये बेटे थे मियाँ ग़ुलाम हुसैन लखनवी और इनके उस्ताद मोहतरम का नाम था मुजफ्फर हुसैन ज़मीर लखनवी के आप शागिर्द थे और आपके कलाम में फ़ारसियत और अरबियत ज़्यादा गालिब है और उन पर जो मिर्ज़ा दबीर पर एतराज़ ये किया जाता है कि उनका आम फहम
कलाम नहीं है तो ऐसा नहीं है। मीर अनीस से कुछ सिवा इनका कलाम मौजूद है और जिसका मेरे वालिदे मरहूम ने ज़िक्र किया है अपने मरसिए के एक बंद में, मुखलिस ऐसे थे, मुखलिस ऐसे भी थे मद्दाहे इमाम दिलगीर, इस कदर खल्क में की मदहे शहे अर्श शरीर, मरसिए लिख के सुबह खुल गए खुश तकदीर, कह उठा सारा जहां फर्द थे आलम में दबीर। फरमाते हैं कि खुद नज़र से मेरी गुजरा है सभी है मौजूद, 20 जिल्दों के सिवा घर में अभी है मौजूद। तो जो इन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जैसा कि हज़रत शिबली ने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि इनका कलाम मीर अनीस से कमतर है या मीर अनीस जो हैं वो मिर्ज़ा दबीर से आगे इनका कलाम है और इनमें ज़्यादा सलासत और रवानी है, बात दरअसल ये है कि अगर पूरे उनके कलाम का अहाता किया जाए तो उनके कलाम में आपको एक कलाम उनका अगर एक तरफ अदक है दकीक है फारसियत और गालिबियत और अरबियत गालिब है, तो एक तरफ सहल मुमतना का भी के भी नमूने अब मिलेंगे। अब आप ये मुलाहजा फरमाएं कि चार मिसरों में हज़रत मुअद्दब लखनवी ने देखिए क्या उम्दा इन मदा खानों का ज़िक्र किया है। फरमाते हैं कि पढ़वाया मजलिसों में ऐमान क़द्र की, क्या कहना मदा खाने शह कलागीर का, पेशे खुदा है पेश नबी मर्तबा बुलंद, इश्क ताशुक और अनीसो दबीर का। तो मिर्ज़ा दबीर का कलाम जो है वो हर तरीक़े से जो है वो पढ़ा जा सकता है या और बहुत आसानी से उनके कलाम को समझा भी जा सकता है। मिर्ज़ा दबीर महज बयान शायरी के सिनफी तकाज़ों और ज़रूरतों को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखते बल्कि उनके नज़दीक शायरी का बड़ा मकसद इस्तियारा साजी और मजमून आफरीनी है। उनकी शायरी शायराना हुनरमंदी का अमल शायरी में सिफत गरी और नई तशबीहात व इस्तियारात की तलाश व जस्तुजू से इबारत है। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर उर्दू मरसे की तारीख का एक अहम और बड़ा नाम है। सिन्फ़ मरसे को बाम उरूज पर पहुँचाने में मीर बबर अली अनीस साहब के साथ साथ उनकी कोशिशें भी हर लिहाज से काबिल दाद हैं। दबीर बड़े पुरगोई मुश्ताक और कादिरुल कलाम शायर थे। जज्बात निगारी और शौकत अल्फाज को दबीर का इम्तियाजी वस्फ करार दिया जाता है। सरापा निगारी और रज्म निगारी के आला नमूने दबीर के यहाँ मिलते हैं। दबीर के मरसों में तो सनाए व बदाए लफ्जी व मानवी खूबियों का इस्तेमाल फयाजी से मिलता है। बाज़ मरसियों में तो दबीर ने तमाम सिफतें एक साथ नज्म कर दी हैं। दबीर के यहाँ मरसियों में इल्मियत फ़नी पुख्तगी और ज़बान व बयान का एक समंदर ठाटे मारता नज़र आता है। उनकी तालीम व आलिमाना ज़र्फ़ निगारी की वजह से मरसियों में वजन और वक़ार आ गया। दबीर के यहाँ ख्याल आफरीनी मजमून से मजमून निकालना और मजहब कलामी अपने उरूज पर नज़र आती है। इस मौके पर एरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास अली मेदी ने जनाब मिर्ज़ा सलामत अली दबीर पर अपने तासुरात का इजहार किया। देखिए मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब जो थे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उर्दू लिटरेचर पे। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर दोनों ने जो उर्दू की लैंग्वेज को एनरिच किया है और आज जो उर्दू हमें मिली है वो इन लोगों के जो काम है उसकी वजह से मिल रही है। और पता नहीं क्या था कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर को लोग कम्पीट करते हैं आपस में, और एक बार मीर अनीस ने करीब करीब लगभग 50 बंद का एक मरसिया नुक्ता जिसमें नहीं होता और हर बंद में या स्टैंजा जो होता है उसमें 6 लाइनें होती हैं। अब सोचिए 50 बंद का मरसिया
गैर मनकूत मरसिया जो कहा जाता है, गैर मनकूत मरसिया कि जिसके अंदर एक भी नुक्ता ना हो, वो मीर अनीस ने कहा। और उसके जवाब में मिर्जा दबीर ने 101 बंद का गैर मनकूत मरसिया कहा, और एक लाइन लिखना मुश्किल है जिसमें नुक्ता ना आए जी। और इन लोगों ने सोचिए क्या इनका इल्म था कि शेर कहे मरसिये कहे, इतने बड़े बड़े मरसिये कहे कि अगर 101 लाइन 101 बंद का मरसिया है उसमें 6-6 लाइनें, सोच लीजिए आपके 600 से ज़्यादा लाइनें हैं और उसमें एक नुक्ता कहीं नहीं आया। तो ये जो है मीर अनीस और मिर्जा दबीर साहब का ये कंट्रीब्यूशन है। और मीर अनीस का अपना एक था और मिर्जा दबीर का जो था वो एक मेजेस्टिक व्यू था कि उन्होंने जो आज करबला हम तक पहुंची है, जैसे लगता है कि पूरा वहाँ की जंग का, वहाँ के हालात का, वहाँ की परेशानियों का पूरा खाका जिन्होंने इन लोगों ने जो अपने मर्सियों में खींचा है, उससे हमें लगता है कि जैसे लगता है कि विजुअल हमें करबला दिख रही है जी, कि करबला के वाकयात जो हैं वो हम आंखों से देख रहे हैं। इनके बयानों से करबला हमने जो जानी है और जो पता हुआ है हमें इमाम हुसैन की शख्सियत के बारे में, इमाम हुसैन की मजेस्टी के बारे में, मिर्ज़ा दबीर का एक बंद है कि किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, रुस्तम का जिगर जेर कफन कांप रहा है। अब सोचिए ये एक जो दिखा रहा है कि उनकी क्या शख्सियत, ये दबीर ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। तो इनकी शायरी, इनकी जो भी शेर हैं और जो उन्होंने मरसिये कहे हैं, उसमें जो उन्होंने इमाम हुसैन को, चाहे करबला को, चाहे जनाब ज़ैनब को, चाहे जनाब अब्बास को जो बताया है, उससे आज लोग मजलिसें पढ़ते हैं, आज भी लोग, अब सोचिए। और ये लोग अपने वक्त से बहुत, यानी जब आए थे तो बहुत आगे के वक्त के हिसाब से आ गए थे, ये 19वीं सदी के शुरू में आए, जबकि इनको कहने से 21वीं सदी में आज होते तो आज का मामला दूसरा ही होता। तो चाहे शबीर नौमानी हो, चाहे गोपी चंद नारंग हो, जिन्होंने इनके बारे में लिखा है और जिससे हम लोगों को मालूम होता है, और बहुत सारे मिर्जा दबीर के ऊपर लोगों ने लिखा है, मगर ये कि मुझे लगता है कि अगर आज होते, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब कुछ है, तो आज हम लोग देख रहे होते तो क्या होता, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास इनके बारे में, तो आज मिस करते हैं हम इनको। मगर ये कि बहरहाल जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो आने वाली सदियां याद रखेंगी, सदियां क्या जमाने याद रखेंगे, और मीर अनीस और मिर्जा दबीर को हम लोग भुला नहीं सकते, और करबला को करबला बनाना, इमाम हुसैन की शख्सियत को पहचानवाना, ये इन्हीं दोनों का बहुत बड़ा किरदार रहा है कि जिसकी वजह से आज हमें मालूम है। मिर्जा दबीर ने सैकड़ों मरसी कहे हैं, दफ्तर मातम में उनके मरसियों को यकजा किया गया है, दफ्तर मातम की जिल्दों पर मुश्तमिल है। अबुल मसाइब मिर्जा दबीर की वो किताब है जो अपने आप में आला है। उस किताब को रजब अली बेग के फसाना अजायब के बाद दबिस्तान लखनऊ की दूसरी नसरी तस्नीम कहा जाता है। ये किताब जाकरी के इस तरीके से ताल्लुक रखती है जिसे नसर ख्वानी कहा जाता है। उस किताब में सूरह यूसुफ का बयान करते हुए जा बजा मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम से रब्त दिया गया है। अबुल मसाइब एक अजीम नसरी किताब मानी जाती है। ज़ेर नज़र किताब को सैयद तकी अली आबदी ने मिर्ज़ा दबीर के सवाने मुकदमा और तशरी के साथ मुरतब किया है। बाक़ियात दबीर और दीगर कुतुब ज़ेर नज़र हैं। पेश नज़र किताब बाक़ियात दबीर में 26 गैर मतबूआ नादिर व नायाब मरसे शामिल किए गए हैं। बास नाकिदीन आवर मुआक़िखीन ने गलत फहमी की बिना पर कुछ मरसे मिर्ज़ा दबीर के शागिर्दों के नाम मंसूब कर दिए थे। उन मरसियों के नुस्खे दरियाफ्त हुए हैं, उनमें दबीर तखल्लुस मौजूद है जिनको बाक़ियात में शामिल किया गया है। उम्मीद की जाती है कि मरसे से दिलचस्पी रखने वाले रेख्ता के क़ारीन बाक़ियात दबीर महफूज होंगे। ये तहक़ीक तरतीब और तदवीन का कारनामा अकबर हैदरी कश्मीरी ने अंजाम दिया है। डॉक्टर असद अब्बास साहब ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। जहाँ तक मरसिये के रेफरेंस से मिर्ज़ा दबीर साहब का सवाल है, तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर देखें तो जो इंसान इंग्लिश लिटरेचर से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं भी है, वो भी जब एलिजी की बात होती है तो पी बी शैली का नाम उसके जहन में आ जाता है। अगर आप ड्रामे की बात होती है तो शेक्सपियर का नाम आपके सामने आ जाता है। जो इंग्लिश लिटरेचर से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, जिन्होंने क्लास 10th या 12th तक ही इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, उसी तरह से जब उर्दू मरसिये की बात होती है तो दबीर साहब का नाम बेसाख्ता जहन में आ जाता है, क्योंकि इन्होंने मरसिये को उस लेवल तक पहुँचाया कि सिर्फ मरसिया मरसिया नहीं रहा,
बल्कि मिर्ज़ा दबीर के लिखे हुए शेर और मरसिए जब पढ़े जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अल्फाज की अदायगी नहीं हो रही है बल्कि आपके सामने बिल्कुल एक मूवी की तरह सब कुछ चल रहा है। यानी ये करबला को ज़िंदा कर दिया उन्होंने इस रेफरेंस से कि आपको करबला के वाक़यात जो इन्होंने रकम किए और नकल किए और जो जंग लिखी शहज़ादों की और उसके बाद जो शहादतें लिखी तो उस पर जो गम का एहसास और जो पहले जो उनकी बहादुरी के बारे में उनकी शुजात के बारे में जो शेर लिखे तो आपको लगता है कि सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। तो ये उनका कमाल था। तो मिर्ज़ा दबीर साहब का कंट्रीब्यूशन जो उर्दू मरसिए में रहा है उसको आज भी हम अप्रिशिएट करते हैं, मजलिसों में जाकर के सुनते हैं। और मैं यहाँ पे बस सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रमोट करें, क्योंकि अब जो नई जनरेशन आ रही है जो उर्दू से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है वो भी अगर इन मरसियों की अदायगी को सुनेगी या ख़ुद मेंबर पे जाकर के कोशिश करेगी इन मरसियों को पढ़ने की तो एक तो उर्दू लिटरेचर में उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और दूसरी बात फिर मिर्ज़ा दबीर को हम अगली जनरेशन तक इसी तरह से नौजवानों तक बच्चों तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अहम कारनामा दीवान में शहादत हुसैन पर मरासी मुख्तलिफ बहर में कहे गए हैं। उन मरासी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और मैदान करबला के मनाजिर दिलसोज अंदाज में बयान किए गए हैं। इस जिल्द में मरसिया सब मसानी बहुत मशहूर है और उसकी शमूलियत में खासा एहतमाम नज़र आता है। अलग अलग बहरों के अशार को उसमें जमा किया गया है। उसके बाद मैदान करबला की दास्तान शुरू होती है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद और फिर करबला का वाकया बयान किया गया है। आज मिर्ज़ा दबीर का सरमाया, उनके लिखे मरसिए, सोज़ो सलाम, नौहे सब मौजूद हैं। आज हमारे बीच जनाब दबीर तो नहीं हैं पर उनका नाम, उनका काम, उनके मरसिए हमेशा बाकी रहेंगे और आने वाली नस्लें उनके काम को हमेशा याद रखेंगी। सिन्फ मरसियों को बाम उरूज तक पहुँचाने में मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब का अहम किरदार रहा है। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब की अगर बात की जाए तो चाहे रज़मिया शायरी हो या बयानिया शायरी हो या सनाए हो बदाएँ हो, रस्म निगारी हो या मज़मून निगारी हो या सरापा नूर हो, हर जगह पर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब का अहम रोल रहा है। मरसिए के हवाले से अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में उनके कहे हुए मरसिए पढ़े जाते हैं। आज ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से करबला के हवाले से जो उन्होंने पैगाम दिया, मरसिए के हवाले से जो उन्होंने अशार कहे, जिस तरह उन्होंने रुबायात कहीं, आज पूरी दुनिया में उनको जाना और पहचाना जाता है। आज पूरी दुनिया में जनाब सलामत अली दबीर साहब का एक अहम मकाम है। आज भी पूरी दुनिया के लोग उनको जानते और पहचानते हैं और उनके मरसिए को और उनके कलाम को आज भी पढ़ा जाता है। तो ये मिर्ज़ा दबीर साहब पे खुसूसी तौर पर हमारा प्रोग्राम जो कि हुसैनी चैनल पे नशर किया गया था, उनकी शख्सियत पर आज हमने बात की और मरसिए के हवाले से गुफ्तगू की और उनकी शायरी के हवाले से गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब अपने मेज़बान सईद रिज़वान अहमद नक़वी और हमारे हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने हमारी मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़। हर एक बारी ये चिल्लाती है।